नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रात में लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? जब तक इंसान जिंदा होता है तब तक लोग उसके साथ और पास रहते हैं। जैसे ही उस इंसान की मृत्यु हो जाती है तो लोग उससे दूर भागने लगते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को लाश के पास रहने से डर लगता है और बहुत से लोग बहुत सारे बहाने बनाते हैं ताकि उन्हें कोई लाश के पास रुकने के लिए ना कह दे। लेकिन जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका अंतिम संस्कार किया जाता है ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। वैसे भी अंतिम संस्कार को लेकर बहुत सारी मान्यताएं प्रचलित है। ऐसे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अंतिम संस्कार से जुड़ी मान्यताओं के बारे में नहीं, बल्कि लाश को रात में अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं। आप में से शायद बहुत से लोगों को इसके बारे में जानकारी ना हो। दरअसल जब किसी इंसान की मृत्यु रात में हो जाती है तो उसे रात में ही शमशान घाट नहीं ले जाते, बल्कि लोग लाश को घर में रख कर ही उस लाश की रखवाली करते हैं। लेकिन क्या आपने इस प्रथा के बारे में सोचा है कि लोग लाश को अकेला क्यों नहीं छोड़ते हैं? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शास्त्रों के मुताबिक यदि किसी इंसान की मौत दिन ढलने के बाद होती है तो उसकी लाश को तुलसी के पौधे के पास रख दिया जाता है और उस लाश को अकेला नहीं छोड़ा जाता है, क्योंकि मरे हुए इंसान की आत्मा वहीं पर भटकती है और सभी को देखती है। दरअसल मान्यता है कि मरने के बाद शरीर खाली हो जाता है, ऐसे में बुरी आत्माएं उस शरीर पर अपना कब्जा जमा सकती है। ऐसे में लोग रात में लाश को अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि मृत्यु होने के बाद रात में शव को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।